शेर से जब शेर टकराएगा तो कौन जीतेगा? वेल, ये तो भाई बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट्स ही बता पाएंगी। यहाँ पर दोस्तों दो शेरों की मैं बात कर रहा हूँ। साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार द थलाइवा यानी कि मिस्टर रजनीकांत और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुल्तान यानी कि हमारे अपने सलमान खान भाईजान और रजनीकांत साहब के बीच में टकरार होने वाली है 15 जून को। चलिए बताता हूँ क्या है किस्सा। दरअसल 27 अप्रैल को फिल्म आने वाली थी काला, जो कि रजनी सर की फिल्म है। रजनी सर मतलब साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनके जब भी फिल्म उनकी रिलीज होती है दोस्तों, तो उनके पोस्टर्स के ऊपर ऐसे दूध की पूरी बारिश होती है, बहुत बड़ी बड़ी गार्लैंड्स मतलब फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं और बहुत सारा राज्याभिषेक टाइप का होता है उनका। और रजनी सर के नाम पर कस्में खाई जाती हैं दोस्तों साउथ इंडस्ट्री में। वहां पर मतलब इतना ज्यादा प्रभाव है रजनी सर का। और एक तरफ हमारे भाईजान हैं जिन्हें तो हम सभी जानते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं। 27 तारीख को फिल्म आने वाली थी हमारे रजनी सर की, जिस फिल्म का नाम था काला। और ये जो फिल्म है दोस्तों, ये टकराने वाली थी एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हो चुकी है स्ट्राइक, जिसकी वजह से अब फिल्म सफर कर रही है। लाइका प्रोडक्शन हाउस ने बोला है दोस्तों कि जल्द हम डेट फाइनलाइज करेंगे कि अब फिल्म कब रिलीज होगी। लेकिन जो अंदर के सूत्र हैं, जो कि मीडिया में सनसनी है दोस्तों, वो ये है कि 15 जून को फिल्म आ सकती है काला। अगर 15 जून को आती है फिल्म काला दोस्तों, तो होने वाला है बहुत बड़ा क्लैश। और इस बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का क्लैश होगा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से, जहां पर एक तरफ पूरा देश भाईजान की फिल्म देखेगा रेस 3, जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं पूरा साउथ इंडिया, जो कि रजनी सर को थलाइवा कहता है, वो फिल्म देखेगा दोस्तों, जिसका नाम है काला। अब दोस्तों यहां पर है ना, जो ट्रेड पंडित है उन्होंने जवाब दे दिया है, बोला है कि अगर भाईजान की फिल्म उस दिन तो आती ही आती है और रजनी सर की भी फिल्म आती है, तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं भाईजान की फिल्म को बिजनेस के मामले में थोड़ा सा है ना दिक्कत हो सकती है। ट्रेड पंडितों ने ऐसा बोल दिया है, भविष्यवाणी कर दी है। और वहीं काला के लिए कहा है कि नॉर्थ इंडिया में काला उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगी जितना साउथ इंडिया में करेगी। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। काला वाले थोड़ा सा अगर आगे कर देते तो या पीछे कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि दोनों ही फिल्म को नुकसान ना हो। दोस्तों आपको क्या है कहना इस बारे में, ये जो इतना बड़ा क्लैश हो सकता है फ्यूचर में? वेल, क्योंकि जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो तुरंत पता चलेगी जब जब डेट पास आएगी। लेकिन अभी जो भी सोर्स है, जो भी अंदर के सारे खबरी हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि 15 जून को दोनों ही फिल्म के बीच में क्लैश होने वाला है। इस क्लैश से आपको क्या फर्क पड़ता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी यारा विद मी राहुल भोज।